लगातार जगह जगह हो रही मूसलाधार बारिश के बाद अब इसका असर आम आदमी की थाली में भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो आम आदमी पहले से ही जगह जगह होते जलभराव से परेशान था, इसके बाद अब सब्जियों के दामों में भी हुई बढ़ोतरी ने जैसे उसकी कमर तोड़कर रख दी है। कुछ दिनों पहले ही टमाटर 25 से 30 रुपए प्रति किलो मिल रहा था, लेकिन अचानक हुई बारिश के बाद अब उसी टमाटर को अपनी रसोई में रखने के लिए आपको 90 से 100 रुपए तक खर्च करने पड़ेंगे। कुछ ऐसा ही हाल गोभी और मटर का भी है। आसमान छूती महंगाई के बीच आम आदमी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, जिसे अपना घर चलाने के लिए पहले ही कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। एक हफ्ते पहले रेट देखे जाए तो पहले से काफी महंगाई हो गई है। आज से चार दिन पहले टमाटर का रेट 40 रुपए किलो था, आज 100 रुपए किलो है। और गोभी के बारे में बात करेंगे तो हम गोभी का रेट था आज से 50 रुपए किलो, गोभी 120 रुपए किलो है। एक तो बरसात होने के कारण सब्जी सारी खराब हो गई है, इस वजह से सब्जी सारी महंगी हो गई। अभी तो बहुत पहले बहुत कम से ज्यादा हो गए, क्या कारण है जो सब्जी महंगी है कभी ये बताने की बारिश की वजह से। टमाटर जो पहले 20 से 30 रुपए प्रति किलो बिक रहा था वो अब 90 से 100 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। गोभी के दामों में भी उछाल आया है। गोभी जो पहले 50 से 60 रुपए बिक रहा था वहीं अब 70 से 80 रुपए बिक रहा है। मटर जो पहले 55 से 60 रुपए प्रति किलो बिक रहा था वहीं अब 60 से 70 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। कद्दू 30 से 40 रुपए पहले बिक रहा था वो अब 40 से 50 रुपए प्रति किलो बिकने लगा है। शिमला मिर्च के दाम में भी उछाल आया है। पहले 30 रुपए प्रति किलो बिक रहा था शिमला मिर्च, अब वो 40 रुपए प्रति किलो हो गया है। प्याज जो पहले 25 से 30 रुपए बिक रहा था वहीं अब 30 से 35 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। लौकी के दाम में भी उछाल आया है। लौकी पहले 20 से 25 रुपए प्रति किलो बिक रहा था जो अब 25 से 30 रुपए प्रति किलो हो चुका है। कुल मिलाकर कुछ दिनों तक तो आम आदमी को अपनी थाली में कुछ कम स्वाद में ही काम चलाना पड़ेगा, और आते हुए मॉनसून को देखकर लगता है कि आम आदमी को महंगाई की इस मार से कम अभी तो राहत मिलने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।